आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप फिनो पेमेंट बैंक मर्चेंट बन सकते हैं। एक बार यहां पर आप फिनो पेमेंट बैंक मर्चेंट बन जाते हैं तो कस्टमर को आप सारी बैंक की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि अकाउंट ओपन करना, डेबिट कार्ड प्रोवाइड करना या फिर क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करना, साथ में कैश विड्रॉल करना, कैश डिपॉजिट करना, मनी ट्रांसफ़र करना, मिनी स्टेटमेंट निकालना या फिर बैलेंस इंक्वायरी करना। साथ ही और भी बहुत सारे ऐसे सर्विसेज है जो कि आपको बैंक प्रोवाइड करता है, ठीक वैसे ही आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड करके हर एक ट्रांजेक्शन पर आपको बहुत ही अच्छा कमीशन मिल जाता है। फिनो पेमेंट्स बैंक मर्चेंट बनने के बाद अगर आपको लोन चाहिए तो आप इनसे लोन भी ले सकते हो और अपने बिजनेस को जल्दी ही ग्रो कर सकते हो। सो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कैसे आप फिनो पेमेंट्स बैंक मर्चेंट बन सकते हैं और इसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या करना है। एक बार आपने यहाँ पर आईडी ले लेते हैं तो आपको कौन सा काम करना है, किस तरीके से करना है, तो ये सारा कुछ प्रैक्टिकली समझने के लिए आपको ये वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आना होगा इस वीडियो के नीचे, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करके डेली अपडेट जान सकते हैं। इसके बाद आपको ऊपर मिल जाएगा यहाँ पर वेबसाइट लिंक, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने हमारा ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अभी आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर देख सकते हैं फिनो पेमेंट्स बैंक मर्चेंट रजिस्ट्रेशन, आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो आपके सामने एक पोस्ट नज़र आ जाएगा। यहाँ पर फिनो पेमेंट्स बैंक का मर्चेंट रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, लॉगिन कैसे करेंगे, कैसे काम करेंगे, इसके बारे में पूरा आर्टिकल आपको बताया गया है, आपको यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एक बार यहाँ पर फिनो पेमेंट्स बैंक का आईडी ले लेते हैं तो आईडी लेने के बाद आपको यहाँ पर ऑफिशियल लॉगिन पेज जो क्लिक हेयर का लिंक है, यहाँ पर क्लिक करके अपना आईडी पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। और अगर आपको फिनो पेमेंट्स बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है तो यहाँ पर है आपको मिल जाएगा फिनो पेमेंट्स बैंक ऑफिशियल वेबसाइट लिंक, क्लिक हियर है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो फिनो पेमेंट्स बैंक मर्चेंट आप कैसे बनेंगे, ये जानने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर क्या क्या सर्विस मिलेगा जो कि अपने कस्टमर को प्रोवाइड करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप यहाँ पर कस्टमर का सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। सेविंग बैंक अकाउंट में 4-5 प्रकार का स्कीम है जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद करेंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। अगर आप किसी भी कस्टमर का सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको कमीशन के तौर पर 35 रुपये मिलेगा, और अगर आप करेंट अकाउंट ओपन करेंगे किसी भी कस्टमर का तो आपको 55 रुपये यानी कि 55 रुपीज़ आपको कमीशन मिलेगा। कार्ड प्रोवाइड कर सकते हो और इंश्योरेंस भी आप यहां पर जमा कर सकते हो। अगर आपको रिचार्ज करना है तब भी कर सकते हैं, बिल पेमेंट करना है तब भी कर सकते हैं, और अगर आपको डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर करना है तब भी आप यहां पर कर सकते हैं। फिनो पेमेंट्स बैंक में पहले 16 बैंक का आप कैश डिपोजिट कराकर कमीशन जनरेट कर सकते थे, जो कि अभी बढ़ाकर उसे 24 बैंक कर दिया गया है। तो 24 बैंक का कस्टमर को कैश डिपोजिट सर्विस प्रोवाइड करने पर आपको कितना कितना पैसा मिलेगा आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए लोन चाहिए तब भी फिनो आपको प्रोवाइड करता है बिजनेस लोन, जो कि आप इनसे कॉन्टैक्ट करने के बाद आपको मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं, आपको एक बार यहाँ पर आईडी ले लेते हैं तो आपको कैसे काम करना है, कैसे लॉगिन करना है। तो सबसे पहले आपको एक लिंक पर आना होगा, इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके यहाँ पर आ सकते हैं। ये partner.finopaymentbank.in/cms-login का वेब पोर्टल है, इनका ऑफिशियल पेज है। यहाँ पर जैसे ही आपका आईडी मिल जाएगा, यूजर आईडी या फिर मर्चेंट आईडी भी कह सकते हैं, उस आईडी को यहाँ पर डाल के कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर जो आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा उसमें एक ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपको जो पासवर्ड मिला होगा, पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जो कि आपका खुद का होगा। तो डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो करेगा, जो कि आप यहां से देख सकते हैं। आपका बैलेंस यहां पर शो करेगा, आपका अवेलेबिलिटी लिमिट क्या है, और आपको यहां पर मंथली एवरेज बैलेंस सब कुछ यहां पर डिटेल्स में आपका शो करेगा। तो यहां पर अगर आप APS में काम करना चाहते हैं, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, तो आपको यहाँ पर 3 लाइन मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं APS लिखा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो आपके सामने आ जाएगा कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट या फिर आपको जो भी स्टेटमेंट चाहिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अकाउंट ओपन करने के लिए बस आपको यहाँ पर क्लिक करना है डैशबोर्ड पर, क्योंकि आपको सबसे पहले डैशबोर्ड पर आना है। तो जो कस्टमर रहेगा उसका मोबाइल नंबर को यहाँ पर आपको एंटर करना है, एंटर करते ही आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है। एक बार आप यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर दिए तो आपको यहाँ पर मिलेगा ओपन अकाउंट, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने आ जाएगा प्रथम सेविंग अकाउंट, भविष्य सेविंग अकाउंट, जन सेविंग अकाउंट,
इसके बाद आएगा सरल सेविंग अकाउंट, प्रगति करेंट अकाउंट, शुभ सेविंग अकाउंट, इसके बाद और एक है सुविधा अकाउंट। तो जो अकाउंट आप ओपन करना चाहते हैं यहाँ से आप कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, बस आपको यहाँ पर जस्ट क्लिक करना है। ये फॉर्म को फिल करने के बाद वो कस्टमर का डिटेल्स दीजिए, आपका अकाउंट तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसके कमीशन की बात करें तो यहाँ पर कमीशन आपको बहुत ही अच्छा खासा मिलता है APS में। अगर आपको कमीशन के बारे में जानना है तो इस वीडियो के नीचे मैंने एक लिंक दे दिया हूँ कमीशन चार्ट का, वहाँ पर जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो अभी बात करते हैं फिनो पेमेंट्स बैंक मर्चेंट बनने के लिए आपको यहाँ पर चार्ज कितना देना है और कैसे पे करना है। सबसे पहले तो बता दूँ, अगर आप फिनो पेमेंट्स बैंक मर्चेंट ऑनलाइन भी बनना चाहते हैं तब भी बन सकते हैं। आपको किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी फिनो पेमेंट्स बैंक मर्चेंट का एप्लीकेशन आप यहां पर इंस्टॉल करके खुद से भी डाउनलोड करके अपना आईडी को एक्टिव करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको 2000 रुपीज़ पे करना होता है। लेकिन अगर आप इनसे कॉन्टैक्ट करेंगे, जो नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो आपको सिर्फ 600 रुपीज़ ही पेमेंट करना है, 600 के अलावा आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। तो कुल मिला की बात यही है कि फिनो पेमेंट्स बैंक मर्चेंट अगर आप VKYC यानी कि वीडियो KYC के ये घर बैठे करते हैं तो आपको 2000 रुपीज़ पेमेंट करना होता है। लेकिन अगर आप इनसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको 600 रुपये ही पेमेंट करना होता है। अगर आप इनका माइक्रो ATM लेना चाहते हैं तब भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको पेमेंट करना होगा 3500 रुपीज़। और अगर आप फिनो का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना चाहते हैं, तो आपको पेमेंट करना होगा 6000 रुपीज़। यहाँ पर एक ऑफर भी है, अगर आप एक साथ 20 माइक्रो ATM खरीद लेते हैं इनसे तो आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी फ्री में मिलेगा। और अगर आपको फिनो पेमेंट्स बैंक का सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी चाहिए तब भी आप इनसे कॉन्टैक्ट करके आईडी ले सकते हैं। तो ये सारा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना आईडी लेकर पैसे अच्छे से कमा सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और ये आईडी लेते वक्त या फिर आईडी लेने के बाद भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। साथ ही हमको डायरेक्टली मैसेज करने के लिए हमारा मोबाइल का एप्लीकेशन का लिंक नीचे है, साथ ही हमारा टेलीग्राम पर जुड़ना मत भूलिएगा, जहाँ पर हम इन्फॉर्मेटिव वाला पोस्ट डालते रहते हैं।